In Subhash English School Digital Class, Class 7, Subject Science, Lesson 6, Physical and Chemical Change की वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे. मीनिंग केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन, रिएक्शन क्रिया, रस्टिंग जंग लगना, गैल्वेनाइजेशन जस्ता चढ़ाना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, कोल कोयला, पीस टुकड़ा, मेन्यूअर खाद, सब्सटेंस पदार्थ. एक्सरसाइज क्वेश्चन 1. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. इन केस ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक. नीचे दिए हुए स्टेटमेंट के सत्य असत्य बताइए. नंबर 1. कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज. एक लकड़ी के टुकड़े को काटना, दो पीस में काटना, क्या रासायनिक परिवर्तन है? तो फॉल्स. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज फिजिकल चेंज. पत्तियों से खाद का निर्माण करना, क्या भौतिक परिवर्तन है? तो फॉल्स. थर्ड, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली. आयरन पाइप्स के ऊपर यदि हम जिंक की कोटेड कर देंगे उससे, तो क्या वह जल्दी रस्टेड हो जाएगा? ट्रू. जल्दी रस्टेड नहीं होगा. ट्रू. फॉर आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस. आयरन और रस्ट क्या एक ही पदार्थ है? फॉल्स. फिफ्थ, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज. स्टीम की कंडेंसेशन जो है वो क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ट्रू. क्वेश्चन 2. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नीचे दिए गए कथनों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नंबर 1. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर थ्रू लाइम वाटर. जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में थ्रो करेंगे, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो वह जो है मिल्की हो जाता है या दुधिया हो जाता है, तो वह दुधिया होकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है. सेकेंड, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट. बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है. थर्ड, टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर गैल्वेनाइजेशन एंड पेंटिंग. रस्टिंग, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जो दो मेथड है वो गैल्वेनाइजेशन और पेंटिंग के है. उसके द्वारा हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं. फोर्थ, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. किसी भी पदार्थ की यदि फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, तो उस परिवर्तन को हम फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं. फिफ्थ, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. किसी भी परिवर्तन में यदि नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है. क्वेश्चन 3. क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस आर फिजिकल आर केमिकल चेंज. नीचे दिए हुए सब स्टेटमेंट को आप केमिकल और फिजिकल चेंज बताइए उनमें. ए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सा परिवर्तन है? तो केमिकल चेंज, वह एक रासायनिक परिवर्तन है. बी, डिसॉल्विंग सुगर इन वाटर पानी के अंदर शक्कर को घोलना, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन. सी, बर्निंग ऑफ कोल कोयले का जलना, केमिकल चेंज. डी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स मोम का पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन है? फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन है. ई, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल. एल्यूमिनियम को पीट कर उसके जो है एल्यूमिनियम फॉइल का निर्माण किया जाता है, तो वह कौन सा परिवर्तन है? फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन. एफ, डाइजेशन ऑफ भोजन का पचना, ये कौन सा परिवर्तन है? केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन. क्वेश्चन 4. व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस व्हाट टाइप चेंजेस इट एक्सप्लेन. जब हम बेकिंग सोडा को लेमन जूस के अंदर घोलेंगे, तो उसमें जो है कुछ गैस इवॉल्व होती है या गैस निकलती है, तो यह कौन सा परिवर्तन है? इट इज केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस CO2. यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो वो बुलबुले के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उठती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है बाय मिक्सिंग बेकिंग सोडा इन लेमन जूस. अगर लेमन जूस में हम बेकिंग सोडा को डालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है. क्वेश्चन 5. व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस आइडेंटिफाइंग दिस चेंजेस. मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, तो गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस.
तो इसी प्रकार का आपको एक और उदाहरण देकर बताना, जिससे कि आप परिचित है कि उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हो। आंसर, बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए केमिकल चेंज बिकॉज हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज ए फिजिकल चेंज। द स्टेट ऑफ आयरन रस्टिंग इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है बिकॉज हीट एंड लाइट, क्योंकि उसमें हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। इन मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल, लेकिन मोमबत्ती का मोम का पिघलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम पिघल कर हम उसको वापस उससे मोम प्राप्त कर सकते हैं। और द स्टेट ऑफ आयरन रस्टिंग, और जब आयरन का रस्टिंग होता है तो उसकी वो अवस्था जो है वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन सिक्स, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। आप कैसे सिद्ध करोगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर, सेटिंग ऑफ कर्ड इज केमिकल चेंज। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है बिकॉज व्हेन मिल्क इज टर्न टू कर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड कर्ड बिकम डिफरेंट। क्योंकि दूध जो है दही में जब बदल जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी या उसके गुण जो है, दूध के जो गुण हैं वो बदल जाते हैं, और दही के गुण जो है दूध से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसके बाद दही जो है वो खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन सेवन, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। लकड़ी का जलना और लकड़ी को काटना दो स्मॉल पीस में, तो आप बताइए कि ये दो अलग अलग टाइप के चेंजेस है। आंसर, बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज, लकड़ी को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है बिकॉज न्यू सब्सटेंस एच इज फॉर्म विद, क्योंकि इसमें राख के रूप में हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, और उसमें हीट और लाइट का इवोल्यूशन होता है। कटिंग ऑफ वुड इंटू स्मॉल पीसेस इज ए फिजिकल चेंज, लकड़ी को दो पीसों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है बिकॉज ओनली शेप एंड साइज ऑफ वुड चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, क्योंकि उसकी सिर्फ शेप और साइज ही लकड़ी की चेंज होती है, लेकिन उसमें कोई भी हमें नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता है। क्वेश्चन एट, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। आंसर, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन बीकर एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स। एक कप में हम पानी लेंगे बीकर के अंदर और उसमें कुछ ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हिट द वाटर और उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदे डालेंगे और फिर उस पानी को हम गर्म करेंगे। When it starts boiling and copper sulfate powder slowly boil, stirring continuously contain adding copper sulfate powder till more, no more powder can be dissolved, filter the solution allows it to not disturb the solution। और उसके अंदर जब वो पानी उबलने लग जाएगा तो उसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का पाउडर धीरे धीरे डालते जाएंगे और उसको स्टिरिंग यानी लगातार हिलाते जाएंगे, और उस कॉपर सल्फेट के पाउडर को हम जब तक डालते जाएंगे जब तक कि उसमें और अधिक पाउडर उसमें घुल न जाए, और फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन को हम ऐसा ही रख देंगे उसको बिना डिस्टर्ब किए, और बाद में उसको हम छान लेंगे। इट इज़ कूलिंग आफ्टर समटाइम्स वी सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, और जब यह ठंडा हो जाएगा तो हम देखते हैं कि हमें इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नाइन, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन गेट को रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या पेंट करते हैं। आंसर, पेंटिंग ऑफ फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर सो इट डज नॉट गेट रस्टेड। जब हम गेट को, आयरन गेट को रस्टिंग करते हैं या पेंट करते हैं तो वह ऑक्सीजन और वाटर को इसके ऊपर नहीं जम, ऑक्सीजन और वाटर की उपस्थिति के डायरेक्ट संपर्क को वह तोड़ देता है, वो रस्टेड नहीं होता। क्वेश्चन टेन, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोल्डेस्ट एरिया देन इन डिजर्ट। आयरन के ऊपर रस्टिंग की जो प्रोसेस है वह कोल्डेस्ट डिजर्ट की अपेक्षा कोल्डेस्ट एरिया में बहुत अधिक तेजी से क्यों होती। आंसर, इन कोल्डेस्ट एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इज मोर इन एटमोसफियर देन द डिजर्ट। कोल्डेस्ट एरिया में जो है वाटर वेपर का जो है परसेंटेज डिजर्ट की अपेक्षा वातावरण में वाटर वेपर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है,
So resting of iron object is faster in coldest area than in desert. इसलिए coldest area में desert की अपेक्षा resting की process बहुत अधिक तेजी से होती है. स्टूडेंट, इस लेसन 6 की वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है. धन्यवाद.